आज के लोगों में यदि कहीं ना कहीं देखा जाए तो शर्म भी खत्म। ये तत्व आपके जीवन में से धीरे धीरे निकल रहा है। देखना अपने आप कि कहां कहां हम टूटे, कहां कहां हम चुके, क्या हुआ जीवन में कि धीरे धीरे सारी शर्म खत्म हो गई। पहले गुरु के पास जाते थे तो एक रिस्पेक्टफुल होकर के हम जाते थे, एक मर्यादा के साथ जाते थे। मंदिर में हम जाते थे तो एक मर्यादा पूर्ण जीवन जी करके जाते थे। लेकिन आज के इंसान को जब देखा जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में उसने शर्म को छोड़ दिया है। और उसमें भी मुख्यतया सात क्षेत्र आपके जीवन में ऐसे है, धर्म के सात क्षेत्र तो अलग है लेकिन आपके जीवन के सात क्षेत्र ऐसे है जहां कहीं ना कहीं आपने शर्म को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पहले नंबर में कपड़े के क्षेत्र में आपकी शर्म गई। पहले के कपड़े आज के कपड़े देखो, ये सुधर्म स्वामी की पाठ के ऊपर से मैं ज्यादा नहीं बोल सकता लेकिन आप समझदार हो, कपड़े के क्षेत्र में चाहे महिला की बात हो, चाहे पुरुष की बात हो, चाहे आपके घर के बेटे की बात हो, बेटी की बात हो, हमें ये तक ज्ञात नहीं कि गुरु के पास जाए तो कैसे कपड़े पहन करके जाए, मंदिर में जाए तो कैसे कपड़े पहन करके जाए, हमें यहां तक पता नहीं। इसीलिए देखा जाए तो पता चलता है कि पहले नंबर में कपड़े के क्षेत्र में आपकी शर्म गई, दूसरे नंबर में व्यवहार के क्षेत्र में आपकी शर्म गई। पहले एक व्यवहार होता था, घर में बड़े बुजुर्ग कोई भी आए हम पैर छूते थे, पैर पड़ते थे, उनको प्रणाम करते थे, जय जिनेंद्र करते थे। आज धीरे धीरे वो भी सब खत्म हो रहा है। शर्म आपके जीवन से खत्म हो रही है, शर्म आपसे जीवन से निकल रही है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं ये सात क्षेत्र आपके जीवन में ऐसे है जहां कहीं ना कहीं आपने शर्म को खत्म कर दिया है। कपड़ों की बात की जाए ऐसा नहीं है, व्यवहार की बात की जाए ऐसा। गुरु के पास जाकर के क्या रिस्पेक्टफुली हमारा व्यवहार था, गुरु को गुरु वंदना करनी, आजकल आपको कुछ आता नहीं, गुरुदेव को जाकर के पूछ लेते हो कैसे हो महाराज जी, ठीक हो। पास जाए तो व्यवहार क्या, परमात्मा के पास जाए तो व्यवहार क्या, क्या व्यवहार हमारा होना चाहिए। शर्म हया सब छोड़ दिया है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, औरों की बात छोड़ो, अपने जीवन में देख लेना कि कहीं ना कहीं हम कहां टूटे, कहां चुके और कहां से हम बच सकते। तीसरे नंबर में धर्म के क्षेत्र में आपकी शर्म गई। पहले एक होता था कि नहीं, बिना दर्शन किए मुंह में का पानी कैसे डाले, ये शर्म आती थी। घर में लोगों को लगता था कि यार तूने आज दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, दर्शन करने नहीं गया। और आज तो ऐसे हालात बने पड़े हैं कि मंदिर के बाजू में घर हो लेकिन 6 महीने में एक बार पूजा करने ना जाते हो, ऐसे भी परिवार आपको मिल जाए। बंबई अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में हम जाते हैं, बिल्डिंग में नीचे मंदिर हो, रोज नीचे उतरते हो, मंदिर के सामने से निकलते हो, मंदिर का दरवाजा क्रॉस करके जाते हो लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं कि मंदिर का दरवाजा अंदर चले जाए, वहां जाके परमात्मा के दर्शन कर ले। धर्म के क्षेत्र में भी आपने शर्म को छोड़ दिया। मंदिर के सामने से निकल जाए पहले तो क्या रिस्पेक्ट होता था आपको बताओ, आप रास्ते से जा रहे हो और गुरुदेव कहीं ना कहीं मिल जाए, आदमी खड़ा रहता था, नीचे उतरता था, चप्पल निकालता था, गुरुदेव को पैर पड़ता था। और आज आप एक्टिवा से जा रहे हो, गुरुदेव पैदल जा रहे हैं, हाथ तो जोड़ नहीं सकते, एक हाथ ऊपर कर देते महाराज जी ठीक हो। सब क्षेत्र में शर्म आपने छोड़ दी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, शर्म था शर्म थी तब तक ये समाज बचा हुआ था, जिस दिन से आपने शर्म छोड़ दी सब टूटता चला गया। कपड़े के क्षेत्र में शर्म गई, व्यवहार के क्षेत्र में गई, धर्म के क्षेत्र में गई, चौथे नंबर में भोजन के क्षेत्र में भी गई, खाने के क्षेत्र में भी आपने शर्म छोड़ दी। पहले हम घरों में बहरने के लिए जाते थे तो हमें पूछना नहीं पड़ता था कि खपे ऐसा है या नहीं खपे, ये चलेगा हमें या नहीं चलेगा, हमारे योग्य है या नहीं है, हमें नहीं पूछना पड़ता था। हमें पता होता था कि यदि जैन के घर में जाएंगे तो हमें हमारी अनुकूल ही गोचरी मिलेगी, हमारे योग्य ही गोचरी मिलेगी। आज आपने वो भी शर्म छोड़ दी। कई बार तो हमारे हालात ऐसे दुस्तर हो जाते हैं, घरों में गोचरी बहरने के लिए जाते हैं, आदमी फ्रिज खोलता है, महाराज जी आइसक्रीम लोगे, ये भी पता नहीं कि महाराज जी को क्या बहराया जाए क्या ना बहराया जाए। भोजन के क्षेत्र में भी आपने शर्म छोड़ दी, भक्ष्य अभक्ष्य सब खत्म, आपको पता ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं पता। हर क्षेत्र में धीरे धीरे हम शर्म छोड़ते गए, कपड़े में छोड़ी, व्यवहार में छोड़ी, धर्म में छोड़ी, भोजन में छोड़ी, पांचवें नंबर में परिवार के क्षेत्र में भी छोड़ी।
पहले एक समय ऐसा होता था, रात को 10 बजे के बाद आपको बाहर निकलना होता था तो मन में फियर होता था कि माता पिता यदि बाहर बैठे होंगे तो क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, क्या कहकर के बाहर जाएंगे। कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के जाना होता था तो हमारे घर की बेटियों को, घर की बहुओं को मन में डर होता था कि मम्मी यदि बाहर बैठी होगी कैसे निकलेंगे। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि परिवार की शर्म भी जीरो हो गई है। अब पहले मम्मी पापा नहीं डरते थे, बेटे डरते थे, और आज मम्मी पापा डरते हैं, ऐसे हालात। आज आप बेटे बेटियों को कुछ कह नहीं पाते, अरे दूसरे के छोड़ो, आपके बेटे बेटियों को कुछ कह सको ऐसे हालात आपके आज नहीं। वो कैसा भी काम करे, वो कैसे भी कपड़े पहने, वो जीवन में कुछ भी करता हो, जीरो धर्म करता हो, उसके जीवन में कुछ ना बचा हो, फिर भी आपकी ये ताकत नहीं कि आप उसको कुछ कह पाओ। परिवार की शर्म भी धीरे धीरे खत्म हो गई। छठे नंबर में गुरु की शर्म खत्म हो गई। पहले एक डर होता था, हर परिवार के फैमिली गुरु होते थे, और कहीं ना कहीं होता था कि गुरु को क्या जवाब दे, यदि हमारे परिवार से कोई गलत काम हो गया, हमारे बेटे बेटियों ने कोई गलत काम कर लिया, समाज को तो बात की बात है लेकिन गुरु को क्या जवाब देंगे। आज गुरु का भी डर खत्म हो गया। गुरु के पास तो हम तभी जाते हैं जब हमारा कोई काम पड़ जाए, जब हमारी कोई जरूरत पड़ जाए, वरना गुरु उनके स्थान पर, हम हमारे स्थान पर, कोई चिंता नहीं। और सातवें नंबर में समाज की शर्म भी खत्म हो गई। पहले आपको पता है लोगों को समाज से डर लगता था, एक गलत कदम उठा लिया समाज बाहर कर देगा। आज तो ये कहते हैं कि समाज बाहर कर देगा तो कौन सी तकलीफ आना पड़ी है, हम हमारे जीवन में सुखी है, हम हमारे जीवन में आनंदित है, अच्छा होगा बाहर निकल गए तो और स्वतंत्र हो जाए। सात क्षेत्रों में आपने शर्म छोड़ दी और इसके हालात ये बने कि आज आपका परिवार टूटता चला, आज आपका जीवन बिगड़ता चला, हर चीज में आप बाउंड्री से बाहर निकल गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, औरों की बात छोड़ो लेकिन अपने खुद के जीवन में जरूर ये देख लेना कि कम से कम और क्षेत्र में शर्म बचे न बचे। आप व्यवहार में क्या करते हो, व्यापार में क्या करते हो, छोड़ो उसकी बात, लेकिन ये जो सात क्षेत्र बताए, चाहे कपड़े का क्षेत्र, चाहे व्यवहार का क्षेत्र, चाहे धर्म का क्षेत्र, चाहे भोजन का क्षेत्र, चाहे गुरु के साथ का क्षेत्र, चाहे परिवार का क्षेत्र और चाहे समाज का क्षेत्र, ये सात क्षेत्रों में कम से कम शर्म बचा करके रखना, जीवन बच जाएगा। चौथे नंबर में शर्मशीलता। जीवन में कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करें कि थोड़ी शर्म, थोड़ी हया, थोड़ा रिस्पेक्ट हमारे आसपास के लोगों का रखे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बच जाए। और इसीलिए महामहोपाध्याय मानवीय जी महाराज कहते हैं सात क्षेत्र ऐसे हैं जहां शर्म हमें रखनी है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।